वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की शुरुआत करते हैं हम अपने ब्लॉगिंग से। ब्लॉगिंग में खास ये है कि अभी मैं आया हूँ साईं मंदिर, जो कि पीछे में देख सकते हैं साईं भगवान का मतलब अच्छा सा मंदिर है, और यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ करते हैं। और मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ जो करने की बात है कि मेरा है ट्राईपॉड जो कि भैया लेकर आए हैं, तो एक्चुअली अपने घर जाने से रोक रहे थे मुझे, क्योंकि और मतलब मेरे घर आते तो 2-3 घंटा लेट हो जाता, तो बोले कि यहीं रुको फिर यहीं को दे देंगे, तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ वो आके मुझे दे देंगे। सो तब तक मैं वहीं वेट करता हूँ अपना स्कूटी लिए हुए, और देखते हैं भैया कब आते हैं। फिर आज के बाद जो भी आपको ब्लॉग मिलेगा वो मैं ऐसे हाथों में नहीं पकड़ रहूँगा, उसके बाद ब्लॉगिंग आपको अच्छी खासी मिलेगी। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि आप तक साईं मंदिर को देख लो। और जैसे कि मैं बात ही कर रहा था कि भैया देखो भैया पीछे से आ रहे हैं, इन्होंने मना किया था कि घर आएंगे तो लेट हो जाएगा, तो भैया फिलहाल यहाँ आ गए हैं और अभी हम इनसे पार्सल लेते हैं और इनको पेमेंट करते हैं। सो देखते हैं क्या है प्रोडक्ट, कितना हम प्राइस देते हैं। प्राइस 650 है पूरा, मैं उसका रिव्यू करके आपको दिखा दूंगा। सो फिलहाल अभी मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ राइट नाउ। देखो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी डिलीवरी पार्टनर है जो भी है, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप भी उनके पास आके ऐसे प्रोडक्ट ले सकते हो। ऐसा नहीं कि उन्हें घर में बुलाना है, मतलब तकलीफ होती है। जैसे कि मुझे प्रोडक्ट की जरूरत थी और भैया बोले कि हाँ आ जाओ, तो मैं आ गया हूँ। तो अभी देखते हैं कैसे खोलते हैं। तो देखो कितना मतलब डिफिकल्ट होता है एक जॉब। एक भैया इधर अपना इधर बैग पूरा पकड़े हैं, दूसरा बैग वहाँ है। सो आप लोग समझ सकते हो कि अगर प्रॉब्लम में हो तो आप भी थोड़ा दूर निकल सकते हो घर से। ऐसा नहीं कि घर में बुलाना ऐसा वैसा करना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। सो वेट एंड वॉच व्हाट आई गेट फ्रॉम हिम। सो यहाँ मेरा प्रोडक्ट निकल गया है और शायद यही मेरा प्रोडक्ट है। घर जाके इसका अनबॉक्सिंग मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो ये हो गया मेरा सामान 649 का। अब मैं भैया को पे करूंगा और उसके बाद यहाँ से सामान लेके फिर आपको रिव्यू में बताता हूँ। मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, भैया को मैं पे कर दिया और अब आज इसी से शूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट शूटिंग कैसा होता है इस ट्राइपॉड के द्वारा। थैंक यू भैया। तो गाइस प्रोडक्ट लेके मैं आ गया हूँ घर, और यहाँ मैं इसको अभी इसका ऑपरेशन करता हूँ, इन द सेंस कि इसको खोलता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या निकलता है। मैं घर में अकेला हूँ तो फ़ोन भी पकड़ना और उसका शूट भी करना, उसका पैकेट को भी निकालना थोड़ी सी मुश्किल मेरे लिए हो जाता है। सो फ्रेंड इस प्रोडक्ट की मैं रेटिंग अच्छी दूंगा, क्योंकि देखो एक पैकेट में निकाल दिया, ये जो झिल्ली था ये निकाला, इसको निकालने के बाद भी ये जो पैकिंग आया है बहुत बढ़िया पैक करके दिए हैं ये लोगों ने। तो ये जो बबल पैकेट है इसको भी मैं ओपन करता हूँ, यहाँ इसका सील टेप भी लगाए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है पैकिंग के मामले में। फ्लिपकार्ट ऑर्डर किया था तो अच्छा प्रोडक्ट आया है आई थिंक। तो यहाँ से मैं सील ब्रेक कर दिया और देखते हैं इसे निकाल कर, तब बड़ा रैपर निकालने के बाद ये जो बबल पैकेट होता है फोड़ने में भी अच्छा लगता है वैसे। उसके बाद निकलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद ये भी एक झिल्ली में है तो इधर से झिल्ली से इसको निकालना पड़ेगा। सो इस प्रोडक्ट का मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो परचेस इजिली कर सकते हैं। यहाँ है परचेस का जो ये है बिल विल जो भी है, कंपनी का बिल एक्चुअल में कौन से कंपनी का है कैसे आया है, सो ये रहा मार्केट भाई। बट इसको पढ़ने से हमको कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है नहीं और आपका टाइम जाया होगा, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को ही निकालता हूँ। सो दोस्तों झिल्ली को निकालने के बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है जो कि बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है। और क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी की बात करो दोस्तों तो ये मतलब बहुत बढ़िया है, ये इतने मतलब मस्त फिट हो जाता है और इसको जैसे चाहे वैसे आप मोर मार के कहीं भी इसको फंसा भी सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको मोर रहा हूँ तो अभी मैं इसको सीधा कर दे रहा हूँ, और ये हार्ड भी है, मतलब कि उतना हार्ड भी नहीं है और उतना लूज भी नहीं है। सो मतलब बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर इसको हाथ में पकड़ोगे ना तो फील होगा। तो मैं ऐसे लगाऊंगा, और यहाँ जो दिया है इसको लगाने के लिए ये दिया है तो इसको मैं यहाँ टाइट कर दूंगा, और उसके बाद ये पूरा ब्लॉगिंग सेटअप ऐसे बन के तैयार हो जाएगा, जिसको मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा इसे शूट करके भी कैसे फील होता है। और ये दोस्तों दिया है ये, इसको खोल के आप इसको 360 में किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं और उसके बाद इसको टाइट कर देंगे तो ये बढ़िया टाइट हो जा रहा है, मतलब मस्त टाइट हो जा रहा है। सो ये है दोस्तों इस प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था और अच्छा प्रोडक्ट मिला। और प्राइस रेंज की बात करें तो 650 मतलब बेहतरीन है, और इसमें आप यहाँ जो मिलता है ये जो इसमें आप चाहे तो कैमरे को भी लोड दे सकते हैं, जैसे कि कोई कैमरा है तो इससे इस ट्राइपॉड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा फील होगा और हैवी वेट को भी संभाल सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल के लिए है, आप कैमरे को भी आराम से इजीली यूज कर सकते हैं। तो चले नेक्स्ट शॉट में मिलते हैं इसमें सेटअप करने के बाद। सो दोस्तों जो अभी शूट हो रहा है वही ट्राइपॉड के बदौलत हो रहा है, तो ट्राइपॉड में मस्त अपने फ़ोन को पकड़ लिया हूँ और ये देखो पीछे का व्यू। तो अब मेरे को ब्लॉगिंग करने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं अपने फिलहाल छत पे हूँ। अरे जो माइक लगाया हूँ ये माइक आप भी यूज कर सकते हैं, ये मतलब
कम रेंज का है और अच्छा क्वालिटी भी देता है, और चाहे तो आप रोड का माइक भी यूज कर सकते हैं ब्लॉगिंग सेटअप के लिए। तो मैं कुछ दिन बाद वो भी माइक परचेस कर लूँगा जो कि ये रोड का आता है। थोड़ा सा महंगा है बट फिर भी उसको मैं परचेस करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, वायर लगा रहता है और वायर को कॉलर पर लगानी पड़ती है, तो थोड़ा देखने में पब्लिकली थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। सो ये है इसी ट्राईपॉड का ब्लॉग जो कि मैं बिल्कुल ही बहुत खुश हूँ फिलहाल इस पार्टिकुलर ट्राईपॉड से। इसको कहीं मैं फंसा सकता हूँ, कहीं भी अटका सकता हूँ, वो भी किसी वीडियो में दिखा दूंगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ तो जल्दी जल्दी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बता जो भी बोल रहा हूँ अच्छे बोल रहा हूँ। सो ये है छत का सीन मेरे, और सो जब भी आपको परचेस करना हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके इस प्रोडक्ट को परचेस आराम से कर सकते हैं। सो ये अगर बताऊँ तो बहुत ही कंफर्टेबल है, जैसे कि इसको मैं मूव कर रहा हूँ ना तो कहीं भी मुड़ जा रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको शूट करने के लिए। मस्त अपना अभी फिलहाल इसके इस माइक से मैं काम चला सकता हूँ, मस्त ऐसे पकड़ के रखूँगा, वीडियो पीछे का जो भी व्यू है वही व्यू भी मिल जाएगा। सो बहुत ही अच्छा है। और इधर मैं छत पे बस टहल रहा हूँ, छत पे देखो क्या क्या लगा के रखे हैं हमने। सो दिस इज़ गुड आइडिया टू मेक अ ब्लॉग विद दिस ट्राइपॉड एंड विद दिस माइक। कम बजट में मस्त अपना जुगाड़ू ब्लॉग बना सकते हो। सो अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा, इस व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगा क्योंकि ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब डिसाइड करूँगा कि आज जाना मुझे कहाँ है और क्या शूट करना है और क्या आपको दिखाना है, और मैं माइक थोड़ा सा लेट परचेस करूँगा क्योंकि इस माइक से मेरा काम निकल जाएगा। वायर भर लगा है, इसको मैं अंदर छुपा लूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में माइक भी नहीं देखने को आपको मिलेगा, बट साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड मैं मास्क क्यों नहीं लगाया हूँ तो इसके पीछे रीज़न है कि मैं खुद के अपने छत पे हूँ, सो नहीं लगाया हूँ, अदरवाइज मैं हमेशा मास्क यूज़ करता हूँ, तो इसके बारे में ये ना सोचिए कि मैं विदाउट मास्क आपसे बातें कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो बाय बाय।